जी भी। और तो यहाँ पे होता है पानी, अभी पानी। ये है म्यूज़ियम, हम म्यूज़ियम वाली साइड पे जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। जी भी। और हमने इधर फाते पड़ा है और आप लोगों को अंदर भी दिखाया इस तरफ। ये अभी सफाई हो रही है, इसके अंदर पानी होता है और लाइटें जलती हैं, लेकिन आज अभी पानी नहीं। फाइनली हम अंदर आ गए माशाल्लाह। ये देखें जी, हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जी भी। और हमने म्यूज़ियम का जो है विज़िट किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है और बहुत खूबसूरत है। और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं हूँ अकबर बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ए बी व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को, मैं दिखाऊंगा अभी। और मैं बहुत ख़ास जगह पे आया हूँ और हमारे जो बाबाए कैद आज़म बानी पाकिस्तान माशाल्लाह उनके पास मैं आया हूँ। मेरा दिल कर रहा था कि चलो मिलना है यार, दिन बड़े हो गए हैं, तो आज मैं इधर आया हूँ। माशाल्लाह आप लोग व्लॉग में देखिएगा अभी। तो जी भी। और अभी मैं जो है वो फ़्राइज़ खा रहा था जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, और अभी आगे चल के भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बस थोड़ा वेट करें यार, बस मैं कूल ड्रिंक पी लूँ, उसके बाद फिर आगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को चल के दिखाता हूँ। बैक कैमरा करके भी दिखाया व्यू। और आज कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा थी यार, धूप काफ़ी ज़्यादा थी, और अभी तो हवा चल रही है माशाल्लाह, अभी कुछ मौसम अच्छा हुआ है। तो अभी हम आगे जाते हैं, आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ व्लॉग में। इंशाल्लाह जुड़े रहें, साथ रहें, इंजॉय करें और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो आगे चल के देखते हैं। जी व्यूअर, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं मज़ार कायद, एक प्यारा सा व्यू, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है और हवा चल रही है, और ये साथ थोड़ा पानी थोड़ा ये हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह, और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। शुक्रिया। और अभी तक मैं आए सोना बहुत रश था, आज आगे भी वहाँ में अभी आगे जाएँगे, आगे चल के देखते हैं इंशाल्लाह। जी व्यूअर, मैं आगे जा रहा हूँ, आप लोगों को आगे चल के दिखाता हूँ माशाल्लाह। और कायद आज़म का मज़ार कायद, बहुत खूबसूरत जगह है और सुकून वाली जगह है, और आवाम का रश इतना ज़्यादा नहीं है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो आगे चल के आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आएगा, इंजॉय करें। ये देखें जी, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, और माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। और आप लोग भी आओ, लोग कराची वाले देख रहे हैं जो यहाँ पे नहीं आए, वो भी आए यहाँ पे और आके इंजॉय करें। और कोशिश करिएगा वीकेंड पे आइएगा, वीकेंड के बाद जो है वो फिर इंटरेस्ट नहीं होती, क्योंकि मज़ार कायद बंद होता है, संडे के संडे ओपन होता है, सुबह 10 बजे से लेके शाम 6:30 तक, उसके बाद फिर क्लोज़ कर देते हैं और एंट्री नहीं होती, तो इसलिए आप लोग जो है प्योर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक लगता है, अभी इससे आगे इंटरेस्ट बंद है, क्योंकि मज़ार कायद का काम हो रहा है और इस वजह से उन्होंने आगे इस रस्सी से आगे इंटरेस्ट है वो बंद है, आप लोग इससे आगे नहीं जा सकते, ना हम जा सकते हैं, ना कोई जा सकता है, और यही एंड है, क्योंकि आगे सिक्योरिटी वाला भी बैठा है, वो देखें जी, और इससे आगे बंद है। व्यूअर, ये पानी की स्लाइड बनी हुई है माशाल्लाह, वो आगे तक है और काफ़ी मज़े की है। अभी तो पानी में घर में कम की वजह से उन्होंने बंद किया हुआ है, तो ये ऊपर से आता है पानी, ये वो आगे तक जाता है नीचे तक, और बहुत खूबसूरत व्यू होता है। अभी काम होने की वजह से इन्होंने रोका हुआ है, ये तो और भी खूबसूरत लगता है और ये बहुत मज़ा आता। तो इंशाल्लाह इस तरह वीडियो देखते रहें साथ साथ, और आगे चलते हैं, मिलते हैं आगे वीडियो में। जी व्यूअर, तो मैंने आपको चारों तरफ का व्यू दिखाया है, ये मज़ार कायद है, ये एक साइड का व्यू है माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी, और ये सूरज जो है ढलने वाला है, और दूसरी तरफ का व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ बैक करके, फिर भाई भी आ गया व्लॉग में। जी व्यूअर, तो यहाँ पे होता है पानी, अभी पानी यहाँ पे नहीं है, इन्होंने खाली कर दिया, और इस साइड का व्यू। जी व्यूअर, अभी मैं दूसरी साइड पे आया हूँ, और ये इस साइड से जो है वो आपको मैं म्यूज़ियम वाली साइड पे भी ले जाऊँगा, आप लोगों को म्यूज़ियम का विज़िट करवाऊँगा माशाल्लाह। और जो हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो यूज़ वाला सामान था, वो आप लोगों को दिखाता हूँ आगे चल के।
ये है म्यूज़ियम, हम म्यूज़ियम वाली साइड पे जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं मीनार कैद की बैक साइड पे म्यूज़ियम, और अभी बंद होने वाला है, जल्दी जल्दी जा के देख लें यार, आप लोगों को दिखाते हैं। ये है डमी म्यूज़ियम माशाल्लाह, ये देखें जी, ये देखें जी, इंजॉय करें। आप लोगों को इस तरह का व्लॉग किसी ने भी नहीं दिखाया होगा सिवाय मेरे। ये देखें जी माशाल्लाह, अंदर चल के देखते हैं। जी व्यूअर्स, हमने इधर फाते पड़ा है और आप लोगों को अंदर व्यू दिखाया, अब इस तरफ जाते हैं दिखाते हैं आप लोगों को माशाल्लाह इस तरफ, ये देखें जी माशाल्लाह इस तरफ जा रहे हैं। फाइनली हम अंदर आ गए माशाल्लाह, ये देखें जी हमारे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी है। और इस तरफ जी भी, और तो ये कुछ यादगार तस्वीर हैं ये आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह, और मुझे तो यहाँ की एक एक चीज़ बहुत नायाब और बहुत बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और ये कुछ तोहफ़ हैं, और इसके बाद कुछ क्या नाम है डेकोरेशन पीसेस हैं, और इससे आगे चल के देखते हैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाता हूँ। ये डाइनिंग टेबल मुझे बहुत अच्छा लगा है, और इसका जो पड़ा है ऊपर डिनर सेट बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, और बहुत लेटेस्ट किस्म का है, हालांकि ये पुराना है लेकिन बहुत प्यारा है, इस तरह का आपको अभी नहीं मिलेगा। और ये अपना पर्सनल जो बेडरूम था हमारे बानी पाकिस्तान का माशाल्लाह, और इसमें सबसे नायाब चीज़ मुझे शूज़ लगे हैं, और बाकी चीज़ें भी एक से एक बढ़ के हैं माशाल्लाह। और इंशाल्लाह आप लोगों को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग इसी तरह साथ व्लॉग देखते रहेंगे, इंजॉय करें माशाल्लाह। और ये देखें जी उनकी कुछ जो थी स्टिक्स, छड़ियाँ जो हाथ में रखते थे बानी साहब, और ये उनके कुछ बंदूक, ये वाली भी आप देखें माशाल्लाह। और एक से एक चीज़ माशाल्लाह बहुत नायाब है, और मुझे जो कलेक्शंस है कपड़ों की वो आगे चल के मैंने हल्के दूर से देखा है, वो आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो ड्रेस कलेक्शन है वो बहुत प्यारी है जी। वो तो मैं आपको ड्रेस कलेक्शन और बाकी चीज़ें भी दिखाता हूँ, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ड्रेस कलेक्शन, और वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इंशाल्लाह, आप लोगों को मज़ा आएगा। और ये देखें जी उनका जो रूम था गेस्ट रूम, ये भी बहुत प्यारा है, और एक से एक चीज़ें यकीन करें दिल खुश हो गया माशाल्लाह, एक से एक चीज़ें बढ़ के हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं, और बहुत लेटेस्ट किस्म की, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये मतलब 50-60 साल पुरानी चीज़ें हैं माशाल्लाह। और ये शूज़ देखें, शूज़ की कलेक्शन देखें, और माशाल्लाह हमारे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शूज़ कलेक्शन और ड्रेस मतलब सही मॉडर्न टाइप के हैं माशाल्लाह, और ड्रेस बहुत मॉडर्न टाइप के हैं, और हमारे बानी बहुत मॉडर्न टाइप के थे माशाल्लाह। ये देखें ड्रेस मुझे बहुत प्यारे लगे, बहुत खूबसूरत हैं, और आगे चल के मैं आप लोगों को गाड़ियों वाली साइड भी दिखाता हूँ इंशाल्लाह, वो भी आप लोग देख इंजॉय करना, आप लोगों को मज़ा आएगा, इंजॉय करें इंशाल्लाह। और आप लोग भी आएँ जहाँ जो है कराची से जो व्लॉग मेरा देख रहे हैं व्यूअर्स, वो भी आएँ और इंजॉय करें। अभी और गाड़ियों की कलेक्शन माशाल्लाह आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी है और बहुत नायाब खूबसूरत चीज़ें हैं, और एक से एक चीज़ मैं जितनी तारीफ़ करूं बहुत कम है माशाल्लाह। और आप लोग देख भी सकते हैं वीडियोज़ में माशाल्लाह, बहुत प्यारी चीज़ें हैं। और अभी हम जो है अभी टाइम ओवर होने वाला है, तो अभी हम वापस जा रहे हैं बाहर, तो इंशाल्लाह व्लॉग बाहर जाके एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोग देखें बाहर जाके, बाहर निकल के व्लॉग एंड करते हैं इंशाल्लाह। जी फिर फाइनली हम बाहर आ गए हैं, और आप लोगों ने अंदर का व्यू देखा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत और नायाब चीज़ें आप लोगों ने देखी, और आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। अब हम वापस जा रहे हैं, आवाम भी अभी वापस जा रही है, क्योंकि टाइम हो रहा है 6:30 से ऊपर का, तो अभी काफ़ी लेट हो गया, तो अभी हम वापसी जा रहे हैं, और मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।